Audio Jungle. हाल ही में इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम ने सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 3 रिवॉल्वर सहित 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर के जरिए इन गिरोहों का पता चला। थाना भवरकुआं क्षेत्र में राजीव गांधी चौराहे के पास कुछ लोग पिस्टल लेकर खड़े थे। सूचना मिलते ही तत्काल थाना भवरकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही थाना कनाड़े क्षेत्र में भी पिस्टल लेकर रंगबाजी करते देखे गए हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में गिरोह मिले हैं जिनका मिशन क्राइम ब्रांच टीम ने मुखबिर द्वारा और मिशन को चालू कर इन सभी पिस्टल धारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। ये जो आरोपी है, आरोपी का दो ही उद्देश्य थे। कुछ आरोपी इसमें ऐसे हैं जो नशे की लत भी थी, उसमें अवैध वसूली करना, रंगदारी करना, इस उद्देश्य में फायर आर्म्स के लिए तो शौक पूरा करने के लिए, रंगदारी करने के लिए ही इस प्रकार के अवैध हथियारों को इन्होंने दिया। अभी 8 दिन पहले छतरीपुरा में वो गोली चली थी, बता रहे थे साकी जगह गिन के लोन लगे, तो इसमें से इनका लोग नाम है क्या? हाँ, निसंदेह इसमें जो आरोपी है वो इसी पृष्ठभूमि के, ये लड़कों के बारे में जानकारी मिली है कि ये कई जगह इन्होंने इस प्रकार की कुछ फायर किए हैं। पूछताछ में उन्होंने कुछ घटनाएं बताई हैं, तो अभी इसको आप वेरिफिकेशन किया। कहीं पर गुंडा टेरर टैक्स भी मांगा है? कुछ जो आरोपी हैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, इनकी जरूर इस प्रकार की शिकायतें आई थी। कई बार किसी लोगों को मतलब फायर आर्म्स का अभाव दिखा करके वसूली करने का प्रयास किया। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से या ये डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन ये वो आरोपी है जो कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा हुआ था।